हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, उन सारे टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीरीज में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन डिस्कस करे थे। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे मैचिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मैच द कॉलम का, और क्या हमारा आंसर होना चाहिए, ये चीजें हमें समझनी होगी कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये देख पा रहे हैं फर्स्ट, जो कि मैच द कॉलम्स रिलेटेड है। और यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कॉलम वन दिया हुआ है और कॉलम टू दिया हुआ है। तो क्या हमारे राइट आंसर्स हो सकते हैं और क्यों राइट आंसर्स हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, जो इरेशनल नंबर होता है वो हमेशा या तो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर आर के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए का ये आंसर होगा। इसी के साथ रेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग और डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, डेसिमल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग भी होगा और क्या होगा, डेसिमल होगा, बी वाला ऑप्शन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट सिक्स इज नॉट, वो अंडर रूट जो सिक्स है इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अंडर रूट यहाँ पे सिक्स को अगर हम फैक्ट अलग अलग करेंगे, तो ये देखिए सिक्स को अलग करते हैं तो टू इंटू थ्री होता है, लेकिन यहाँ पे तीन पेयर्स बनने चाहिए जो कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये बिल्कुल रेशनल नंबर नहीं है। और यहाँ पे देखिए टू प्लस अंडर रूट टू, ये क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। और इरेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर का होता है। तो ये आप समझ पाए होंगे जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा इसी का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने ये है हमारा सेकेंड मैच द कॉलम का क्वेश्चन, जिसमें कॉलम वन और कॉलम टू दिए हुए। एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, ऑलवेज टू होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर आर के साथ कनेक्टेड। एचसीएफ 336 और 54 का, जब आप इसका इनका एलसीएम फाइंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे ना, तो इनका एचसीएफ जो निकल करके आएगा वो आएगा सिक्स। इसका एचसीएफ क्या होगा, सिक्स होगा। यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो बी के साथ कनेक्टेड होगा, और सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्यू के साथ कनेक्टेड होगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्यू के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल कह सकते हैं जिसे मैच द कॉलम के क्वेश्चन हैं। आप इन्हें प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ चुका है और ये किसी भी फॉर्मेट में आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं, राइट। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चंस, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन भी किया गया है इस क्वेश्चन को, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहें और इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में डी तक दिया हुआ है, और यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू तक दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 551, और इसके अलावा इसका हमें क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं ये हमें देखना है। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो 551 को अगर देखें, अगर आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको एक चीज देखने को मिलती है कि ये एक कंप्लीटली रेशनल नंबर है। हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, राइट। क्या इसका एक और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या, देखिए उसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो इसका है ही, इसके अलावा और कुछ इसका हो सकता है क्या? बिल्कुल, अगर हम देखें अगर और ध्यान से, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 9 दी हुई ना, 2 की पावर और 5 की पावर दी तो टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए इज अ नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल।
रिप्रेजेंटेशन रिपीट होगा। तो दो ऑप्शंस यहां पे आ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के दो आंसर हो सकते हैं हमारे, एक तो टी और दूसरा एस, दोनों हो सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करें कि ये प्रोडक्ट है और इसका आंसर क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसके भी दो आंसर्स निकल जा सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल, ये तो एक बिल्कुल प्राइम नंबर है। कैसे प्राइम नंबर, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 5 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का 5 आएगा, 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, ये एक प्राइम नंबर है, राइट, पहला क्वेश्चन तो। और दूसरा अगर आप देखें ध्यान से, अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये क्वेश्चन एक प्राइम नंबर है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक रेशनल नंबर भी है, बिल्कुल 2 हमारा रेशनल नंबर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है ये तो हमारा प्राइम नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है, तो बी और एस दोनों आंसर्स हो सकता है इसका, यानी कि ये एस में भी आ सकता है और ये पी में भी जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे ऑप्शन नंबर सी को हम समझ सकते हैं। देखिए अंडर रूट 5 माइनस 4 दिया, अंडर रूट 5 माइनस 4 का मतलब ये जो ऑप्शन है ये हमारा इरेशनल नंबर की कंडीशन में आएगा, इरेशनल तो होगा ही, ऑप्शन नंबर जो सी है वो तो इरेशनल तो है, इसके अलावा भी कुछ है क्या? अगर इरेशनल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है वो हमारा टर्मिनेटिंग, ये इस कंडीशन का भी हो सकता है, इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, यानी कि इसके भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि इसका क्यू भी हो सकता है और यू भी हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर डी का जो ऑप्शन दे रहा है, इस ऑप्शन में आपको दो चीजें मिल रही हैं कि एक रेशनल नंबर है, पहली बात तो ये एक रेशनल नंबर है, करेक्ट, यानी कि एस वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है डी के साथ। इसके अलावा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आर एस दोनों मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमें क्या देखने को मिला कि ए के भी दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, राइट, बी के भी हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सी के भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं और डी के भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ए के जो दो ऑप्शन हमें मिल रहे थे उसमें हमारा एस और टी हो रहा था, बी के जो दो ऑप्शन हमें मिल रहे थे उसमें हमारा पी और एस हो रहा था, इसके अलावा अगर हमें सी की बात करें तो इसमें जो क्यू मिल रहा था और यू मिल रहा था, और डी की बात करें तो ये आर मिल रहा था और एस मिल रहा था। तो ये था हमारा मैच द कॉलम के क्वेश्चंस। अभी और भी देख लेते हैं, एक लास्ट हमारा मैच द कॉलम का क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, देखिए यहाँ भी हमें दिया हुआ है कि 3 माइनस अंडर रूट 2, ये क्या है, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है, राइट, हम कह सकते हैं कि ये हमारा तो इरेशनल नंबर है। इसके साथ साथ अंडर रूट 50 अपॉन अंडर रूट 18, ये हमारा रेशनल नंबर है जो कि 1 और 2 के बीच में आता है। 3 और 11 है ना वो हमारे को प्राइम नंबर है, देखिए को प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है और पेयर है इनके, 3 और 11 एक साथ दिए हुए तो को प्राइम, यानी कि दो नंबर है और प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है, नॉट ओनली ये हमारा इवन, केवल एक डी ही हमारा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इवन प्राइम नंबर है, और 1 ये ना तो हमारा कंपोजिट नंबर है ना ही हमारा प्राइम नंबर है। तो ये ऑप्शन आप समझ सकते हैं मैच द कॉलम के, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनके थ्रू आप काफी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो वीडियो लेक्चर है ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी वेटेज को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। और उम्मीद करता हूँ मेरे फ्रेंड्स कि ये लेक्चर काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको लगता है कि फिर भी कहीं डाउट है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी चीज़ में डाउट है, तो आप इस नंबर पर ना ज्वाइन मैसेज करके लिख करके आप भेज सकते हैं। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस PDF को ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो जुड़ी रहिए हमारे साथ और सजेशन सुझाव भी आप इस नंबर पे दे सकते हैं हमारी टीम को। और जो भी वीडियो लेक्चर्स अगर आपको अपकमिंग सेशन में चाहिए होगा आप वो भी हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।